कुछ उंज भी राहां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मुख्तलिफ ज़राए से एक लिस्ट आ रही है, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर हेडिंग दी गई है उस पर लिखा गया है करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ड्यूरिंग बुज़दार रिजीम। किन लोगों से इनके कनेक्शन थे, इन्होंने किस किस तरह करप्शन की और कैसे कैसे ये अपने आकाओं को खुश करते रहे। ब्यूरोक्रेट्स भी हैं इसमें, पुलिस अफसरान के नाम भी हैं, तो जिनका ताल्लुक तो सियालकोट से है रहा है, हम उनके बारे में इसकी लिस्ट जो वायरल की जा रही है उसमें एक नाम ज़ीशान जावेद बुज़दार का भी आ रहा है। लिस्ट के अंदर तो ज़ीशान जावेद बुज़दार लिखा गया था, लेकिन जब ये सियालकोट में डीसी सियालकोट थे तो तब इनका नाम हमने तो ज़ीशान जावेद लशारी भी सुना। सियालकोट में इन पर इस लिस्ट के अंदर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके ताल्लुकात कनेक्शन जो थे उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब थे उनके साथ थे, और इनके उनके भाई शायद उस्मान बुज़दार के एक भाई हैं उमर बुज़दार, उनके साथ भी इनके कनेक्शन थे। इसके साथ साथ इनके हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने सियालकोट में जो ज़िमनी इंतखाबात NA75 डस्का के इलेक्शन हुए थे इन्होंने रिगिंग की थी उस इलेक्शन के अंदर। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ ज़राए से रकूम इकट्ठी करते थे उस्मान बुज़दार और उनके भाई उमर बुज़दार के लिए, इसलिए इनको नवाजा भी जाता था। तो आगे इसी करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट के अंदर एक नाम आता है बिलाल खैदर का, ये भी डीसी सियालकोट ट्रैक के गए हैं। इनके बारे में इस लिस्ट के अंदर लिखा गया है कि इनके जो कनेक्शन थे, इनके कनेक्शन टीके यानी कि ताहिर खुर्शीद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला पंजाब के, खुद उस्मान बुज़दार साहब के साथ, फराह खान के साथ भी इनका कनेक्शन यहाँ पे इस लिस्ट में मेंशन किया गया है। इस लिस्ट में ये बताया गया है कि दो मरतबा ये PESSI के कमिश्नर बने, और इन्होंने ये कमिश्नर बनने के लिए 2 करोड़ रुपये, इस लिस्ट के अंदर लिखा गया है 2 करोड़ रुपये फराह खान को पे किए, तो ये 2 मरतबा कमिश्नर बने। इसके साथ अगर सियालकोट के हवाले से इनके हवाले से बात कर ली जाए तो सियालकोट में भी इनकी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं थी। इन्होंने एक टूरिस्ट बस यहाँ पर बनवाई थी ये रेडी करवाने के लिए, मुख्तलिफ लोगों ने करोड़ों रुपये सुना फ़ंड भी दिए थे, वो तो पता नहीं कहाँ गए, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि ये बस लाहौर किस वर्कशॉप से तैयार की गई और कितने लाख रुपए, चंद लाखों में इसको तैयार करवाया गया, वहाँ पर भी शायद पैसे नहीं दिए गए। लेकिन वो बस आज भी सिर्फ गैराज की जीनत है क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है। किस इंजीनियर ने इनको मशवरा दिया, कैसे यहाँ इस टूरिस्ट बस बनाने की मद में पैसे इकट्ठे करना इनका मकसद था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन पैसे ज़रूर इकट्ठे किए गए, करोड़ों रुपये इकट्ठे करके उस बस को आज भी गैराज की जीनत ही बनाया गया है। वो बस आज तक किसी टूरिस्ट के लिए बाहर नहीं निकली कि लोगों को टूर करवा के सियालकोट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाए और सियालकोट के मुख्तलिफ मकामात दिखाए जाएँ। इसके साथ ही इन्होंने इनका एक और बड़ा कारनामा है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन किया, यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियों के गेट मसमार कर दिए, उनके दफ्तर तोड़वा दिए। लेकिन इनका फाहर निशात जिनका तल्लुक सियालकोट के तहसील समड़ियाल से है, वो भी प्रॉपर्टी टाइकोन है और बड़े बड़े वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉलोनियाँ बनाते हैं। लेकिन हमने जब फाहद निशात की बनाई हुई निशात गार्डन को देखा तो वहाँ पर तो कानूनी तकाजे पूरे नहीं होते थे, वहाँ पर लोग आज भी परेशानी से दो चार हैं। लेकिन जिन जिन लोगों से इनका ताल्लुक था या शायद इनसे उन्होंने पहले मिल लिया था तो उन लोगों की कॉलोनियों को कुछ भी नहीं हुआ। आज भी देखा जा सकता है कि निशात गार्डन समड़ियाल में मौजूद है कि उसका कितना बुरा हाल है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं। लेकिन यहाँ पे सियालकोट की बड़ी बड़ी अहम तरीन और खूबसूरत कॉलोनियाँ इन्होंने गैर कानूनी कह के उनको मसमार कर दिया। उसके बाद इनकी कैसे कैसे डील हुई, उन्हीं कॉलोनियों को इजाज़तें मिल गई सेल परचेज़ करने की जिनको गैर कानूनी कह के मसमार करने की कोशिश की गई थी, ये किस तरह इजाज़त मिलती है। जैसे सियालकोट से ही ताल्लुक़ रखने वाले मलक रियाज कहते थे मैं फाइल को पहिए लगा देता हूँ, शायद वो पहिए इस तरह लगे कि दोबारा इनको इजाज़त मिल गई। इसके साथ मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमारे एक सियालकोट के सीनियर जर्नलिस्ट ने यह स्टोरी ब्रेक की थी, तरीन मोस्ट सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं हमारे भाई हैं हाफिज़ मुबीन, उनको इन्होंने नोटिस भी भिजवाया तो उसके बाद इन्होंने उसकी पैरवी भी नहीं की। ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट के अंदर एक और नाम उमर शेर चट्ठा, ये भी डीसी सियालकोट रह चुके हैं, इससे पहले शायद ये ADCR भी सियालकोट में रह चुके हैं, इनका नाम भी लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। इनके हवाले से जो कनेक्शन के हवाले से लिखा गया है कि इनके जो ताल्लुकात थे, इनके ताल्लुकात एहसन गुजर और बुशा बीबी के साथ बताए जा रहे हैं कि असेंबली नून के दौरे हुकूमत में डिप्टी सेक्रेटरी और PSO2 वज़ीर आला पंजाब, जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे
तब ये डिप्टी सेक्रेटरी और वजीर पीएसओ टू वजीर पंजाब भी रह चुके हैं, एसएन गुजर और बुशा बीबी के साथ डेवलप हो गए। सबसे पहले ये डीसी सियालकोट बने, उसके बाद डीसी मियांवाली इनकी ट्रांसफर कर दी गई, उसके बाद ये लाहौर जैसे बड़े जिले में आके डीसी बन गए। तो इनके हवाले से लिखा है कि इन्होंने 3 करोड़ रुपये इस सीट के लिए 3 करोड़ रुपये दिए। इसके साथ इनके हवाले से ये भी लिखा गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के इन्फार्मर भी हैं। शहबाज शरीफ के हवाले से ये सारी खबरें इमरान खान को देते रहे हैं। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट के अंदर एक नाम अब्दुल्ला सुंबल का भी आ रहा है। इनका डायरेक्ट तल्लुक तो सियालकोट से कोई नहीं है, लेकिन इनके हवाले से लिखा गया है कि इमरान खान के खास आदमी हैं और लिया और मियांवाली में जितने भी तरक्याती काम हुए उनमें से इन्होंने हिस्सा लिया या बड़ी रकम इकट्ठी की। इन पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। इनका नाम इसलिए लिया कि ये वो आदमी हैं जिनके तवसल से जिन्होंने फ़ंड रिलीज़ किए। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले उमद मीर से इनके इतने प्यारे ताल्लुकात थे कि इनको फेवर देते हुए पाकिस्तान ये सियालकोट में तारीखी स्टेडियम था जिना स्टेडियम जो कि तबाही के दहाने पर पहुँच चुका था। उमर मीर के कहने पर अब्दुल्ला सुंबल ने उसके फंड रिलीज कर दिए। स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसको कहा जा रहा है कि दुबई के स्टेडियम की तर्ज का ये स्टेडियम होगा। तो ये इनका नाम इसलिए लिया कि इनके तवसल से सियालकोट का स्टेडियम तैयार हो रहा है। इन्होंने फंड रिलीज किए थे उमर मीर के तवसल से। पुलिस सर्विस के करप्ट ऑफिसर्स इस लिस्ट के अंदर जो सबसे नीचे नाम लिखा गया था वो था मुस्तनसर फिरोज अवान जो कि सियालकोट के डीपीओ रह चुके हैं। इनका नाम हमने देखा तो हमें बड़ा दचका सा महसूस हुआ। इनके डीपीओ रहने के दौरान इनके हवाले से कोई भी ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा कोई भी ऐसी इनके हवाले से मनफी खबर नहीं सुनी कि इन्होंने किसी भी करप्शन में ये इन्वॉल्व हुए हों। शायद लिखने वाले के पास कोई सबूत होंगे या कोई ना कोई मामला ऐसा होगा जो उसने मुस्तनसर फिरोज़ अवान का नाम लिख लिया। इनकी खिदमात भी सियालकोट में काफ़ी बड़ी खिदमात हैं। मॉडल पुलिस स्टेशन इनके दौर में बने, बड़ी अमेंडमेंट्स ही लोगों को इंसाफ की बासान फ्राहमी इन्हीं के दौर में शुरू हुई। इसके साथ आज भी लोग इनको याद करते हैं। बहुत से लोगों को हमने मुस्तनसर फिरोज अवान को आज भी दुआएं देते हुए सुना। लेकिन इनके हवाले से लिखा गया है कि इनके ताल्लुकात बुशा बीबी और फराह खान के साथ बताए जा रहे हैं और इन्होंने अपनी 3 मरतबा डीपीओ लगने के लिए किया है कि बुशा बीबी और फराह खान को इन्होंने भारी रकम इस मद में पे की डीपीओ लगने के लिए। 3 मरतबा ये डीपीओ रहे, इनके हवाले से भी लिखा गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जिन जिन के पास बड़ी बड़ी सीटें रहीं उन पर ये इल्ज़ाम आयद किए गए हैं या ये सच है इसका तो हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन ये लिस्ट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये लिस्ट किसी अदारे की जानिब से नहीं बल्कि ये किसी ना किसी फर्द वाहिद की जानिब से बनाकर शायद प्रोपेगेंडा किया गया है या मुस्लिम लीग नून के दिल की आवाज़ है। ये लिस्ट के इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर और भी बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े नाम हमारी फिंगर टिप्स पर मौजूद हैं जिनको पूरा जग जानता है, जिनको हर कोई यहाँ पर सियालकोट में जानता है कि उन्होंने क्या क्या झोल झोले हुए हैं। उनका नाम हमने नहीं देखा इस लिस्ट में। तो अब देखें इस लिस्ट पर क्या कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, क्या ये लिस्ट को ऑन किया जाएगा अदारों की जानिब से, पर मुकम्मल कार्रवाई होगी, सज़ाएँ मिलेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।